नमस्ते दोस्तों, जी हाँ मैं हूँ आशीष चौधरी और मैं लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम सचिन ठाकुर है और मैं एक फाइनेंस एडवाइजर हूँ। मेरी स्पेशलिटी ये है कि जो माता पिता अपने बिटिया के शादी के लिए 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का फंड तैयार करना चाहते हैं, मैं उनमें उनकी मदद करता हूँ। फंड तैयार करना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ये प्लानिंग करने में हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू। जी हाँ, नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जिनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है आज तक, क्लीन चिट रही है। जी हाँ, मुंबई में जब आए तो आज करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। यहाँ कहीं कई बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, इसलिए हमें 10 लाख की आबादी वाला स्मार्ट सिटी बनाना है। जी हाँ, ये जब रायगढ़ में वो भाषण दे रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा, यहाँ रोजगार पाने वालों की आबादी जो है वो बढ़ रही है, सुनियोजित शहर होना ज़रूरी है। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर सिडको यहाँ विकसित होता है तो ये सभी क्षेत्र भारत में एक आदर्श क्षेत्र के रूप में जाने जाएंगे। साथ ही कोंकण के लिए सागरमाला 2 में शामिल समुद्री मार्ग करें। कोंकण का पर्यटन इसी क्षेत्र में है, इसलिए मैंने सांसद सुनील तटकरे से अनुरोध किया है कि एक समुद्री विमान लाया जाए। जी हाँ, मुंबई में उन्होंने कहा कि वैसे भी पैसों की कमी नहीं है, यहाँ विमान 18 करोड़ रुपए का है। नितिन गडकरी द्वारा इसका टेस्ट भी हो चुका है। जी हाँ, आज उद्घाटन जो हुआ वो मुंबई गोवा हाईवे बन गया, आज उद्घाटन हुआ भी, लेकिन उन्हें पेड़ कम दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने इन सारे पेड़ों की जवाबदारी जो है वो आमदार और वहाँ के सेवक, जी हाँ जो भी हैं, उन सब के ऊपर दी है कि इसको ग्रीन हाईवे बनाए। जी हाँ, ग्रीन हाईवे बनाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। नितिन गडकरी जिन्हें जोर देकर JNPT में एक नई बड़ी नर्सरी होनी चाहिए, यहाँ 3 मीटर से बड़े पेड़ लगाने चाहिए और अधिक सुखद यात्रा की उम्मीद की है। जी हाँ, ये आपको क्षण देख रहे हैं जब नितिन गडकरी जी का स्वागत हुआ है। एक नितिन गडकरी एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो ईमानदारी के प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, और एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसकी वजह से कई काम हाईवे के जल्द तुरंत हुए, लेकिन नीचे के लोगों ने कम ध्यान दिया। बस मोटा मोटा कंपन्या इथे येणार आहेत आणि त्यानंतर वाघ साहेब एक गोष्ट करा कि या परिसरामध्ये 10 लाख नवी मुंबई झालं, पोर्टशी रिलेटेड असणारा 10 लाख कॅपॅसिटीचं एक नवीन स्मार्ट शहर आपण आता तयार केलं पाहिजे, कारण या रोजगार मिळणाऱ्या लोकांना घरं आणि येणारी पॉप्युलेशन याला प्लॅन डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे आणि त्यामध्ये 60-40 तुमच्या जमिनीच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे सिडकोनी जर या ठिकाणी विकास केला तर हा सगळा परिसर भारतातला एक आदर्श परिसर झाल्याशिवाय राहणार नाही। मला अतिशय आनंद आहे की नव्या दिल्ली मुंबईचा एअरपोर्ट या ठिकाणी होतो आहे। सागरी महामार्ग आहे तो देखील मी नक्की करीन, भारतमाला 2 मध्ये त्याचा समाविष्ट करून तोही पण निश्चितपणे करीन, कारण कोकणाचं सगळं टुरिझम त्याच भागाला आहे आणि टुरिझम हे असं क्षेत्र आहे की त्यात 49% कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट फक्त रोजगार निर्माण करणारा खर्च होते। त्यामुळे आता तटकरे साहेबांना विनंती केली की मी MPBS सी प्लेन आणलं, मी स्वतः समुद्रात उतरलो विमानातून, त्याच्या ट्रायल मुंबईत घेतल्या, 18 कोटी रुपयाचा आहे, मुंबईत पैशाची कमी नाही आहे आणि हे सगळेजण श्रीमंत आहेत, 18 कोटीचं एक प्लेन 10 प्लेन विकत घ्या आणि पूर्ण BPT वरून विमान उडवायचं पाण्यातून आणि कोकणातल्या सगळ्या गावात डायरेक्ट सी प्लेननी जाता येईल अशी व्यवस्था करा, म्हणजे या रस्त्याने जाण्याची झंझटच राहणार नाही, ते काही कठीण नाही आहे। सगळ्या लोकप्रतिनिधींना आहे, बर्णे साहेबांना आहे, तटकरे साहेबांना आहे की मी मुंबई गोवा हायवे बांधला, आज मी हाय पण हायवे बांधला, म्हणजे बांधला पूर्ण पाहिला पण झाडं कमी दिसले। आता या ठिकाणी या हायवेला ग्रीन करण्याची जबाबदारी सगळ्या आमदारांची आणि सगळ्या लोकप्रतिनिधींची आहे। JNPT मध्ये एखादी मोठी नर्सरी करा
आणि याच्यातून 3 मीटरच्या वरच्या हाईटचे झाडं लावले पाहिजे हा आग्रह ठेवून चांगल्या स्पेसिस ज्या या भागात लागू शकतात त्याहून तुम्ही जर ग्रीन हायवे केला तर अजून चांगला आनंदमय असा प्रवास सगळ्यांचा होऊ शकेल. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई, उल्वे न्यूज.